दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। धर्म प्रचार संघ एवं न्यू कैलाश नगर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से न्यू कैलाश नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिन पधारी साध्वी प्रियंका बाबा ने उपस्थित प्रभु भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि धैर्य से किया हुआ कार्य सफलता की ओर ले जाता है, इसके लिए अपने अंदर के विश्वास को जगाना जरूरी है। इस अवसर पर पार्षद भगवंत प्रभाकर, किशनलाल सैनी, विजय बत्रा, सुशील सैनी, वीरेंद्र मोहन, विनोद घई, चंद्र वर्मा, ललित मोहन खन्ना, पुनीत चड्डा, राजीव अरोड़ा, इंद्रजीत, कमल जैन, जगमोहन शर्मा, राजीव मरवाहा, सुबोध ऋषि, वीरेंद्र चोपड़ा, वीरेंद्र थापर, अजय मराठा, सनी कैंथ, जगदीश अरोड़ा, कमल शर्मा, बॉबी पलटा सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद थे। छोटे छोटे बच्चों को मारने लगे। अब किसी के मुख पे ये तो नहीं लिखा था कि ये 10 दिन से कम है, बल्कि जो महीने का था, 2 महीने का था, 6 महीने का, वर्ष का, उन्हें भी कंस के सेवकों ने मार दिया। ब्रजवासियों ने अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए जीवित ही अपने बच्चों को पालने में टोकरे में डालकर यमुना में बहा दिया। कंस के अत्याचार से बचाने के लिए अपने ही बच्चों को यमुना में बहाए जा रहे। अमर को फिर भी चैन नहीं आया तो कंस ने राक्षसी पूतना को प्रकट किया, जो अपने नाम की तरह सिद्ध है। पूतना के नाम का अर्थ यह है पूत ना। पूत किसे कहते हैं? पता चला नंद बाबा के घर में भी एक ऐसा लाला है जिसकी आयु बहुत कम है। उसे मारने के लिए अपने सदन पर आज कलाकुट विष लगाया और जैसे ही गोकुल की ओर जाने लगी तो पृथ्वी की ओर देखती है तो देखती है कि जो ब्रज की गोपियां हैं कितनी सुंदर हैं, मस्तक पर चंदन तिलक लगाए हैं, बालों की बेनी गूंथी है, उसमें सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं, ओढ़नी उड़ाई है। लाल मिलन जीत कर दामा की शोभा की मैया, लाल मिलन जीत कर दामा, लाल मिलन जीत कर दामीरा, श्याम मिलन जीत कर दामा, लाल मिलन जीत कर।